विवियन दे सैना को क्या आप लोग जेंटलमैन मानते हैं या आप लोग मेंटलमैन मानते हैं? आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और जब विवियन दे सैना घर के बाहर आएंगे ट्रॉफी लेके या टॉप 5 में तो भाई वो पक्का हैं, या ट्रॉफी लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे ये तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। तो आप लोगों का प्यार और नफरत जो है देख के उनको भी पता चलेगा कि कितने लोग प्यार करते हैं कितने लोग नफरत करते हैं। तो विवियन जो है जेंटलमैन है या मेंटलमैन है? तो विवियन मुझे लगता है जेंटलमैन है। और आप लोग तो बोलेंगे कि ये तो लाजमी था कि तेरे को तो लगेगा ही विवियन जेंटलमैन है। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न होता है। उसके रीज़न को सुनने के बाद ही फिर आप लोग बोलना कि भाई मैं उसके लिए अच्छा ही बोलूँगी या एक्चुअली में अच्छी चीज़ उसने की है इसीलिए खुशीरू अच्छा बोल रही है। सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो है नॉमिनेशन कहीं ना कहीं क्या भाई एकदम क्लियर जो है नॉमिनेशन डिस्कस जो है इन लोगों ने की भी है। विवियन सारा रज्जो बग्गा सब लोग वहाँ पर थे और सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे और वहाँ पर आके खड़ी हो जाती है चाहत पांडे। चाहत पांडे की एक पर्सनैलिटी देखने के लिए मिली कि चाहत जो है कितने भी कोई उसको रूड क्यों ना बोल दे कुछ क्यों ना बोल दे पर वही ये वहाँ पर जाके जो है चुपचाप खड़ी हो जाती है। अगर उसके ऊपर कोई आ रहा है तो उसके लिए जो है जवाब ज़रूर देती है। ये चीज़ जो है आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, रिप्लाई जो है वो ज़रूर देती, जो कि अच्छी बात है। हेमा के जैसा जो है वो शांत नहीं रहती। तो जब देखा कि भाई सब लोग बैठे हुए हैं और एक लड़की खड़ी है, एक जेंटलमैन क्या होता है? जेंटलमैन वही होता है जो कि एक लड़की को अपने से पहले रखता है। तो वहाँ पर किसी ने तो कुछ सोचा नहीं देखा नहीं, पर विवियन ने जो चेयर पे बैठे थे वो चेयर जो है चाहत को दे दी और चाहत ने बोला कोई बात नहीं मैं खड़ी हूँ आप बैठ जाओ। वो बोले नहीं तू बैठ जा मैं अभी आता हूँ बाहर जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक्चुअली में वहाँ पर चेयर दी और सब लोगों के पास उसको बैठने के लिए मौका दिया और विवियन जो है वहाँ से बाहर निकल गए। तो ये एक जेंटलमैन की क्वालिटी रहती है जो कि एक लड़की होने के नाते मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जेंटलमैन कौन है और मेंटलमैन कौन है। अगर आदमी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो लोग बोलेंगे कि ये मेंटलमैन है तो लाजमी ये बात है कि वो चीज़ एक्चुअली में ऐसी चीज़ लड़कियों के लिए करते नहीं होंगे, पर वाकई में वो लोग मेंटलमैन ज़रूर होंगे, जेंटलमैन तो नहीं होंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।